सो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। बिटकॉइन ने डिसेंट इनफ रिकवरी करी है, मार्केट ऊपर गई है, ऑल्ट कॉइन बढ़ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इस वक्त मार्केट के अंदर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि ये सीजन के अंदर बहुत ज्यादा मीम टोकन्स के ऊपर पैसा आ रहा है, मीम टोकन्स पंप हो रही है। और अगर हम मीम टोकन के ऊपर शुरुआत में पैसा लगाते हैं तो बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसके ऊपर मल्टीपल एक्स हासिल करने की, वो भी शॉर्ट टर्म में। मैंने पॉप कैट के बारे में एक रैंडम वीडियो के अंदर हमने बात करी थी, लगभग जो वो चल रहा था $0.09 $0.08 के आसपास, आज वो चला गया $1.5, लगभग हो गया है 20x। ऐसे बहुत सारे मीम टोकन डिफरेंट चेन्स के ऊपर जबरदस्त मोमेंटम ला रहे हैं। सोलाना बड़ा क्योंकि सोलाना के ऊपर बहुत सारे मीम आए, हर मीम को अगर बाय करना है तो आपको सोलाना बाय करना पड़ेगा, दैट इज वाई सोलाना पंप होने लग गया। अब होता क्या है, यूजली आप एक मीम को तब बाय करते हो जब वो बड़े एक्सचेंजेस पे आ जाता है, जैसे कि बायबिट, आपके OKX, बिटगेट, कूकॉइन, इनके ऊपर जब कोई मीम टोकन आता है तो आपको उसके बारे में पता चलता है और तब आप बाय करते हो, तो उसके ऊपर जो अपसाइड है वो बहुत कम मिलनी रह जाती है। दैट इज वाई आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी टॉप मीम की बात नहीं करने वाला, ये बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए एंड एक रिस्की इन्वेस्टर के लिए, बिकॉज इस वक्त सभी का सभी ध्यान मीम टोकन्स पर जाता जा रहा है। इस वक्त सबसे जबरदस्त ट्रेंड चल रहा है सुई का, और सेकंड ट्रेंड अभी चलना स्टार्ट हुआ है एप्टोस का। तो अब हमारे को ट्राई करना है कुछ छोटे से अमाउंट के साथ रिस्क लेने का, जो कि अगर जीरो हो गया, लगाने से पहले सोच लेना कि ये तो जीरो हो गया, अगर यहां पे पैसा बन गया तो वो मल्टीपल एक्स बनेगा, नहीं तो ये सोच के चलना है ये पैसा आपका कभी था ही नहीं, बिकॉज मीम के अंदर इसी तरीके से या तो पैसा बनेगा या तो मीम के अंदर पैसा पूरा चला जाएगा। इसी सोच के साथ अगर आप मीम के अंदर एंट्री करोगे तो ही आप पैसा बना पाओगे। मैं यहां पे बात कर रहा हूं, मैं बात कर सकता था 10 मिलियन से भी नीचे वाले मार्केट कैप वाले कॉइन्स की, लेकिन मैं बात करूंगा आज मेजर कॉइन्स की जो कि मीम में है, लेकिन वो बड़े नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि मैं यहाँ पे डॉज की बात करूंगा, ऐसा नहीं होगा मैं यहाँ पे पेपे, यहाँ पे मैं ब्रेड की बात करूंगा, नो, मैं बिलियन डॉलर्स वाले कोई कॉइन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं सभी 15, 10, 20 मिलियन के मार्केट कैप के मीम टोकन्स की, एंड मोस्टली जो कि है अभी ऑन सुई, एंड मोस्टली जो कि अभी है फिलहाल ऑन एप्टोस। तीन टोकन बताऊंगा और एक्स्ट्रा जो कि होंगे हमारे, वन ऑन ईथर, वन ऑन सोलाना एंड वन ऑन ट्रॉन एज वेल, जिसके ऊपर आप कंसिडर कर सकते हो और अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हो और मिड टर्म के लिए भी ऐड कर सकते हो और स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हो कि अगर ये टोकन पे आपने एंट्री ली और आपका फंड हो गया फॉर एग्जाम्पल 3x, तो अपना पैसा निकाल लेना, जो 2x बचा है उसको पूरा सीजन तक अप्लाई रखना, बिकॉज अगर एक मीम बढ़ता है तो मीम के अंदर पैसा आप एक गुना, दो गुना, तीन गुना करने के लिए नहीं लगाते हो, मीम के अंदर पैसा बनता है। कई बार लोगों ने $100 लगा के मिलियन डॉलर उससे भी ज्यादा कमाया हुआ है, दैट इज वाई यू आर इन्वेस्टिंग इन टू मीम्स। मैं आज कुछ ऐसे मीम्स के बारे में बात करूंगा जो कि शायद बिलियन डॉलर तक भी आने वाले टाइम में चले जाए, अगर ये सीजन जो कि काफी हद तक दिखाई दे रहा है कि काफी हद तक मीम्स के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा इन्फ्लो होगा मार्केट का, तो मैं ट्राई करना चाहता हूँ कुछ ऐसे मीम्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करना जिसमें मैं शायद अपने हर प्रोजेक्ट के अंदर $2,000, $3,000, $4,000 जो कि मैं लूज कर सकता हूं इन हर प्रोजेक्ट के अंदर, मैं वो लगाऊंगा। आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा आप वही पैसा लगाओ जो कि आप लूज कर सकते हो, तो और उसको अगर आपने लूज करने की कैपेसिटी रखते हो तो ही उस पर इन्वेस्टमेंट करना। तो एडवाइस करूंगा हर टोकन पे $20, $30, $50, $100 आप लगा सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर पोर्टफोलियो साइज। अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था मीम के ऊपर वीडियो बनाई जाए, नए ट्रेंड्स के ऊपर वीडियो बनाई जाए, तो बात वीडियो कर रहा हूं मैं फिलहाल ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर जो कि है एप्टोस और सुई के मेन मीम जो कि काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और अगर इन दोनों चेन के ऊपर अभी ट्रेंड बना, क्योंकि अभी तो फिलहाल कंपैरिजन होना शुरू हो गया, सुई कैन बीट सोलाना एज वेल, बट ऐसा यूजुअली होता नहीं है, हाइप आती है, हाइप के अंदर टोकन आते हैं, टोकन बढ़ जाते हैं, फिर वो जीरो हो जाते हैं, तो आपको हमेशा अपना सीड मनी निकालना फोकस में होना चाहिए। सीड मनी आ जाए उसके बाद आप उसको जितना मर्जी लॉन्ग टर्म उसको होल्ड कर सकते हो, रिस्क तो ऑलरेडी आप ले रहे हो पैसे को जीरो करने का, लेकिन अगर आपका प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए वो ट्रेड तो अपना सीड मनी जरूर निकाल लेना, प्रॉफिट को जितना मर्जी लंबा टाइम आप होल्ड करना, चाहे वो 1000x आपको दे दे चाहे वो जीरो हो जाए, आपको फिर वो फर्क नहीं पड़ेगा। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, इन सारे मीम्स के बारे में जान लेते हैं। रियली होप कि आप वीडियो को अभी कभी लाइक कर देंगे, बिकॉज आप लोगों के लिए मैं ये सारा कंटेंट बना रहा हूं, तो आप लोगों से इतनी उम्मीद तो करूंगा कि एक लाइक बटन दबा दो, और साथ ही साथ कौन से और कोई मीम टोकन है आपकी नजर के अंदर जो कि 5 मिलियन, 10 मिलियन, 15 मिलियन की मार्केट कैप पे है, जिसको शायद मैंने आज की वीडियो में शेयर नहीं किया और अच्छी अपॉर्चुनिटी रखता है सुई के अंदर या एप्टोस के अंदर,
तो प्लीज उसको हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करना। मैं ट्राई करूंगा उसको अगली वीडियो में इंक्लूड करने का, अगर वो अच्छी पोटेंशियल रखता है हमारी कम्युनिटी के लिए। तो चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे। वीडियो को प्लीज लाइक अभी तक जरूर कर देना, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने में भी शर्माने की जरूरत नहीं है। सो गाइस टाइम वेस्ट नहीं करना, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एप्टोस के ऊपर अगर हम डीफाई लेमा पे जाएंगे तो इस वक्त 712 मिलियन टीवी लॉकडअप हो चुका है। वॉल्यूम की अगर हम चार्ट देखें तो वॉल्यूम क्लियर बता रहा है कि भाई एप्टोस का टाइम आ गया है ऐसा लग रहा है, और एप्टोस के ऊपर फिलहाल वॉल्यूम बहुत बढ़ रही है। सिमिलरली अगर हम सुई के ऊपर भी देखें तो सुई के अंदर भी टीवीएल 1.13 बिलियन का लॉक्ड हो चुका है, और वॉल्यूम देखें तो वो भी ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। दैट इज़ वाई अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा फिलहाल ट्राई करने का, अगर इनके ऊपर सीजन आ गया तो चांदी चांदी हो जाएगी, नहीं आएगा तो $20 $30 $50 हर टोकन पर लॉस होगा। $50 इंटू 10 टोकन है फॉर एग्जांपल, अगर सबका ही सारा का सारा जीरो हो गया तो $500 का लॉस हो जाएगा। मैं अपने हिसाब से बताऊं तो मैं शायद $2,000 या $4,000 लगा रहा हूं, और मैं भी उसको माइनस में लिख के चल रहा हूं। दैट इज़ वाई एंड हाउ यू मेक मनी इन मीम कॉइन्स। बेसिकली पॉपकैट का एग्जांपल मैं दे चुका हूं, ऐसे बहुत सारे मीम्स हमने शुरुआत में बताए हैं, लेकिन फिर भी मैं उसके बारे में करेज नहीं रखता कई बार कि यार कम्युनिटी का लॉस ना हो जाए। लेकिन अब कम्युनिटी और वक्त के साथ आपको चेंज करना ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज अगर आप ट्रेंड को फॉलो नहीं करोगे तो आप पीछे हो जाओगे, ट्रेंड आगे निकल जाएगा, लोग आगे निकल जाएंगे। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। बाकी पहले कॉइन की अगर मैं बात करूँ तो उसका नाम है गुई, जो कि है एप्टोस के ऊपर, और एप्टोस का गुई जो है एक मेन टोकन है। मेन टोकन मैंने हर प्रोजेक्ट के बारे में बताया है, एप्टोस के ऊपर सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाला अगर टोकन की बात करूँ तो वो है गुई, GUI। अगर आप इनके प्रोफाइल पर देखेंगे तो आज 9% के करीब बढ़ चुका है। 16 मिलियन की मार्केट कैप का प्रोजेक्ट है। मेन कोई भी अगर चेन चल जाए तो अगर वो $1 बिलियन तक पहुंच जाए तो कितना एक्स हो जाता है, लगभग करीबन 60-70 गुना एक्स, अगर हम गोई को 1 बिलियन तक जाता हुआ देखें। होगा नहीं होगा आई रियली डोंट नो, लेकिन अगर हम बात करें आज से थोड़ा टाइम पहले ऑल टाइम हाई जो था वो 4.09 था, अगर वहाँ तक भी हम पहुँच जाए तो भी 3x की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है, और जो कि बहुत इजी है अगर मार्केट के अंदर थोड़ा सा भी ट्रेंड इसके ऊपर आया तो। गुई एक काफ़ी हद तक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑन एप्टोस टोकन लग रही है। अगर हम एप्टोस की बात करें तो अगर आप इनकी मार्केट कैप पे जाएंगे, मार्केट पे जाएंगे तो आपको MEX और गेट और बिटगेट के ऊपर ये टोकन मिल जाएगा, यानी कि आपको डेक्स के ऊपर जाकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकेंड टोकन की अगर मैं बात करूँ वो है अपटोस। एप्टोस है वैसे ही, इसीलिए मैं इसको चूज़ कर रहा हूँ, अपटोस नाम काफ़ी सिमिलर है और इसने काफ़ी अच्छा हाई मारा था जब ये शुरुआत के अंदर आया था, वहाँ तक अगर ये पहुँच जाता है तो वहाँ पे भी हमारे को एक अच्छा खासा डिसेंट रिटर्न मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि $396,000 जो है डॉलर्स लिक्विडिटी लॉक्ड है, और लगभग FDV जो है वो बहुत छोटी है, 8.5 मिलियन की है। आज 57% बड़ा है, उसका रीज़न है एप्टोस के ऊपर फिलहाल हाइप बहुत बढ़ रही है। मार्केट की बात करें तो लिक्विड स्वैप के ऊपर आप इसको बाय कर सकते हो, साथ ही साथ MEXC पे भी इसको आप बाय कर सकते हो। आपको यहाँ पे एप्टोस का वॉलेट बनाना पड़ेगा जिसका नाम है पेंटोम। आप पेंटोम वॉलेट के साथ लिक्विड स्वैप पे जाके इसको बाय कर सकते हो अगर आप इस टोकन को बाय करना चाहो तो। थर्ड टोकन जिसको मैंने चूज़ किया है एप्टोस के अंदर उसका नाम है मूडैंग। मूडैंग हम सब लोगों को पता है एक हिप्पो का करेक्टर है जो कि बहुत ज़बरदस्त इसने हाइप मचाई, हम बात करें तो सुई के अंदर भी और बाकी नेटवर्क्स के ऊपर भी, तो जिसकी काफ़ी ज़्यादा हाई हुई, 200 मिलियन तक पहुंच गया था ये प्रोजेक्ट। अब एप्टोस के ऊपर भी ये प्रोजेक्ट दिख रहा है, बहुत ही छोटी मार्केट कैप है, 100% चांस है ये जीरो हो सकता है, लेकिन मैं कहूँ 99.9% चांस है जीरो हो सकता है, लेकिन 0.001% चांस है। अगर इसके ऊपर भी ट्रेंड आया तो ये बहुत अच्छा पड़ सकता है, सुपर रिस्क है हमारे इस लिस्ट के अंदर, और काफ़ी ज़बरदस्त रैली अप कर सकता है अगर थोड़ा सा भी इसके ऊपर ट्रेंड आया। बट फॉर श्योर बहुत ज़्यादा रिस्की है हमारी पूरी लिस्ट में, शायद सबसे ज़्यादा रिस्की कॉइन में से एक होगा, लेकिन अगर बड़ा तो पैसा बहुत ज़बरदस्त दे सकता है। फोर्थ कॉइन की अगर मैं बात करूँ तो उसका नाम है सुई चेन के ऊपर, जो कि सबसे मेन और उनका सबसे बड़ा टोकन है और सबसे पुराना टोकन है, और सुई जो बेसिकली है जैपनीज वर्ड है जिसको वाटर कहा जाता है, तो उसके अंदर ब्लब जो है नंबर 1 टोकन है जिसकी एक फिश करेक्टर है जो कि चल रहा है 0.06x014 के करीब। 48 मिलियन की मार्केट कैप है, सुई का जितना जबरदस्त ट्रेंड चल रहा है $1 बिलियन तो चला जाए तो 20x यहाँ पे हो सकता है, और ऐसे ही टोकन और बिल्कुल काफ़ी हद तक ये करेक्टर मैच करता है ब्रेड से। ब्रेड भी 2-3 बिलियन चला गया था आपको याद होगा, वहाँ तक चला जाए तो 50-60 गुना भी मिल सकता है। तो ब्लब पे मैं इस पूरी वीडियो के अंदर मैं कहूँ तो शायद मैं गुई के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुलिश रहूँगा, और अभी मैं कहूँ तो ब्लब जो कि उसके ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश रहूँगा, जो कि सेफ इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न शायद 10-20 गुना मिल पाए लेकिन अच्छा रिटर्न मिल सकता है। 60 मिलियन की इसकी
FDV है 47 मिलियन के करीब इसकी मार्केट कैप है। तो ये हो गया हमारा नंबर वन टोकन सुई चेन के ऊपर। अब अगले टोकन की अगर मैं बात करूँ तो वो बहुत ही अच्छा है, जिसके ऊपर किसी की खास नज़र गई नहीं है और बहुत अच्छा पंप हो रहा है, उसका नाम है ट्रिपल ए ए ए ए। और ये अगर आप देखें तो मैं इसके ऊपर सोशल पर जाना चाहूँगा एग्जैक्टली इसके करेक्टर को देखने के लिए कि करेक्टर क्या है। ये बेसिकली इन्होंने भी कैट टाइप का करेक्टर बनाया है, पॉप कैट आप सबको पता ही है, पॉप कैट जैसा ही करेक्टर बनाया है ए ए ए कैट। और ये है सुई के ऊपर, अभी चल रहा है लगभग 16 मिलियन की मार्केट कैप, बिलियन तक पहुंच गया पॉप कैट की तरह, जो कि अभी 1.5 बिलियन में पहुंच गया है। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार प्रॉफिट दिला सकता है, मैं इस पर भी काफ़ी हद तक बुलिश फील कर रहा हूँ फिलहाल। ये हो गए हमारे 5 क्वाइन। 6 क्वाइन की अगर मैं बात करूँ तो उसका नाम है हिप्पो। हिप्पो जो कि है सुई की नेटवर्क के ऊपर ही अभी चल रहा है 1-2, जिसे हम बेसिकली कहते हैं दोबारा से सुडैंग, जो कि मेन टोकन था। अब सुडैंग जो मेन टोकन था उसी को मैंने एप्टॉस में आपको बताया है, रेप्लिकेट किया है कि शायद ये वाला जो सुडैंग है, जिसको सुडैंग की जगह नाम दिया गया मुडैंग ऑन एप्टॉस, ये चल जाए एप्टॉस के ऊपर। अब हम बात कर रहे हैं मेन सुडैंग की सुई के ऊपर, जो कि अभी 120 मिलियन है, और ये भी जब ट्रेंड चला तो ये भी हो सकता है कि वन ऑफ द मेन टोकन सुई नेटवर्क के ऊपर हो जाए और $1 बिलियन छू जाए। 125 मिलियन है अभी तक की हमारी लिस्ट के ऊपर, सबसे अभी तक हाई मार्केट कैप का कॉइन है, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है जिस तरीके के इसके ऊपर हाइप है। ये काफ़ी ज़्यादा बड़े एक्सचेंजेस के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है, गेट, MEXC, कुकॉइन के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है, और मैं मानता हूँ ये हमारे को बाइबिट जैसे एक्सचेंज पर भी आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है। और इन्होंने बहुत बड़ा एक अभी गिव अवे भी बाइबिट एक्सचेंज के ऊपर किया है, जहाँ तक आपको पता होगा मैंने आपको शेयर भी किया था। 7th क्वाइन के बारे में बात करूँगा, जो कि दोबारा सुई का है और इसका नाम है फड, FUD, जिसे कहते हैं फड द पग, जिसकी हाइप आज से थोड़ा टाइम पहले बनी थी। अभी अगर बात करो तो 3 मंथ्स के चार्ट के अंदर ऑलरेडी बहुत ऊपर जाना शुरू हो चुका है, काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई दे रही है। अगर मैं बात करूँ लास्ट 14 डेज के अंदर 56%, 30 डेज के अंदर 400% बढ़ चुका है। हाइप थोड़ा, मैं कहूँगा थोड़ा ज़्यादा बढ़ा हुआ है, अगर नीचे आ जाए थोड़ा सा तो आप इसके ऊपर एंट्री कर सकते हो। 48 मिलियन का मार्केट कैप का कॉइन है और कोई भी इनमें से प्रोजेक्ट हो सकता है $1 बिलियन का सुई के ऊपर प्रोजेक्ट बन जाए, दैट इज़ वाई इन सबको मैं हमारी लिस्ट में इंक्लूड कर रहा हूँ। अब चॉइस आपकी, आपको सब पे पैसा लगाना है कि किसी पे लगाना है, मैं तो सब पे लगाना पसंद करूँगा और सब पे, सब में से सबसे ज़्यादा अच्छा अगर मैं बात करूँ तो शायद गुई के ऊपर ऐसे लगाऊँ, ताकि क्योंकि सेफ लग रहा है, ब्लब थोड़ा सेफ लग रहा है, जो कि आप कह सकते हो ट्रिपल ए सुई जो कैट है वो काफ़ी बुलिश लग रही है, तो ऐसे करके आप इनमें कॉइन्स को चूज़ कर सकते हो। अब मैं बात करूँगा 8th क्वाइन की, जो कि शायद मेरे से किसी की भी नज़र में नहीं है, जिसका नाम है हे, और ये है हमारा सोल का कॉइन। हमारी पूरी लिस्ट के अंदर एक सोल, एक एथेरियम और एक मैं ट्रॉन का टोकन बताने वाला हूँ। तो हे करके टोकन है जो कि सोल के ऊपर है। अगर आप इसकी बात करो तो 2% आज माइनस में है, 0.03 है, 25 मिलियन की मार्केट कैप का टोकन है, बढ़ सकता है, सोलाना के ऊपर ट्रेंड तो चल ही रहा है, अगर थोड़ा सा भी वो ट्रेंड आया तो ये अपने नए ऑल टाइम हाई बना सकता है और काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। और ये भी एक तरीके से हम बात करें तो पॉप कैट जैसे नरेटिव को लेकर चल रहा है, और ये भी कैट के करेक्टर के ऊपर फिलहाल टोकन है। 9th टोकन हमारी वीडियो का, जिसका नाम है हॉपी, जो कि 67 मिलियन की मार्केट कैप का टोकन, जो कि बहुत लॉन्ग टाइम से अच्छा परफॉर्म कर रहा है और ये पेपे को रेप्लिकेट कर रहा है, और पेपे जैसा ट्रेंड इसके ऊपर आ सकता है। और ये है ईथर चेन के ऊपर हमारा आज की वीडियो में टोकन, 68 मिलियन मार्केट कैप के ऊपर है हॉपी, बड़ा तो बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। लास्ट टोकन हमारी वीडियो के अंदर जो कि सबसे बड़ा है मार्केट कैप के अंदर, उसका नाम है सन डॉग, ट्रॉन के ऊपर फिलहाल मेन चेन मेन टोकन, जो कि बहुत ज़बरदस्त हाइप कर सकता है। और ये देख सकते हो आप कितनी ज़बरदस्त इसने यहाँ पे कैंडल भी दिखाई थी, और ट्रॉन यानी कि जस्टिन सोन उसको फुल ऑन सपोर्ट भी कर रही है, सभी बड़े एक्सचेंज के ऊपर आने वाले टाइम में दिखाई दे सकता है, हो सकता है बिनेंस के ऊपर भी आने वाले 6 महीने 1 साल के अंदर ये हमारे को दिखाई दे जाए, और बहुत अच्छी रैली करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स वाला कॉइन हो सकता है, तो दैट इज़ वाई इसको भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने डिफरेंट सेट ऑफ नरेटिव्स ऑफ मीम टोकन के ऊपर बात करी है, जिनमें सुई और एप्टॉस हमारा मेन फोकस रहा है, जिनमें से मैं अगर रैंक करूँ तो नंबर वन मैं कहूँगा ब्लब को, जो कि सुई के ऊपर नंबर वन रह सकता है, गुई को जो कि एप्टॉस के ऊपर नंबर वन रह सकता है, थर्ड मेरे को काफ़ी अच्छा ट्रिपल ए लग रहा है ए कैट, फिर मेरे को सोलाना के ऊपर हे करके जो टोकन है वो भी काफ़ी अच्छा बुलिश लग रहा है, बाकी सारे टोकन्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन यस थोड़े रिस्की ज़्यादा है, लेकिन मैं सब पे पैसा लगा के फिलहाल चलूँगा। आपकी चॉइस है, आपको पैसा लगाना है नहीं लगाना है, यू अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी है वो ज़रूर करो, उसके बाद ही अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करो, बिकॉज आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, मैं वो बता रहा हूँ जो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ मार्केट डिमांड एंड कम्युनिटी डिमांड मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो अपना डिसीजन खुद लो, क्या लगा सकते हो, सोच के लगाना है कि भाई ये पैसा लगा रहा हूँ ये जीरो होने वाला है, वही सोच के आप पैसा लगाओगे तो ही आप
मीम टोकन्स में पैसा बना पाओगे। बाकी गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।